हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2024 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही है, लेट्स सी। अगर आपको पिक अ कार्ड्स रीडिंग देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे सेकंड चैनल ब्लू मून टैरोट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स मिल जाएंगे जिस रीडिंग्स की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ओके, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि इन चार महीने के अंदर आपकी लाइफ में क्या क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। ओके, पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द लवर्स, ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक मेजर अरकाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर द जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकाना एक साथ आ चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिवाइन खुद इन्वॉल्व है इन चार महीने में, आप देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस आया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को दर्शा रहा है आपकी लाइफ में बनता हुआ इन चार महीने में। आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि सितंबर महीना जस्ट स्टार्ट होते ही आपका लाइफ बदल रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, पीस आ रहा है, एक इनर पीस आप महसूस कर पाओगे। आपके लाइफ में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है डिवाइन को, वरना आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज़ नहीं हटेगा। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को पीछे छोड़ने से या फिर कौन सी चीज़ को आपके लाइफ से रिजेक्ट करने से लाइफ में पॉजिटिविटी बना हुआ रहेगा, आपका गुड हेल्थ, गुड वेल्थ बना हुआ रहेगा। फाइन, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन चार महीने के अंदर आपका कोई भी लॉसेस नहीं होने वाला है। उपरांत आपने जितने भी लॉसेस फेस किए हैं, जितने भी चीज़ें आपने गुमाए हैं, खोया है, आपके साथ अगर लोगों ने कुछ गलत भी किया है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका कुछ सामान चोरी हो गया है, तो ऐसे में दिख रही हैं हर एक तरीके से भरपाई होने वाला है, डिवाइन भरपाई करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कप से दूसरे कप में वाटर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेस करने वाले हैं। फर्स्ट ही मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ के साइड से इन चार महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस्ड होने वाले हैं। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी अलग से दिख रही है, आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी अलग से दिख रही है। साथ में लिब्रा एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हाइलाइटेड हो रही है। ओके, सो सितंबर महीने के लिए मुझे दिख रही है जिन लोगों का शादी तय नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आपका रिजेक्शन आपको हाथ लग रहा था। हो सकता है कि कुछ इंसान को आप पसंद करते हो बट वो इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा था, कुछ क्रशेस हैं आपके एक से ज़्यादा, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो बट रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है, अब उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो। फाइन, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है किसी भी साइड से, किसी भी तरफ से अगर आपका लव लाइफ ख़राब हो रखा है ना, या फिर ख़राब हालत में है ना, तो ऐसे में दिख रही हैं सितंबर महीने में आपका लव लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा सुकून भरा होने वाला है, खुशहाल होने वाला है। लव रोमांस की कमी आपको एकदम से महसूस नहीं होने वाला है। तो लवर्स का कार्ड ये बताता है कि सितंबर महीने में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा था उन लोगों का शादी तय होने वाला है, रिश्ता फिक्स्ड होने वाला है एंड एक ऐसे इंसान से जो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है एंड आपका सोलमेट है, आपके दिल के हर एक बात को समझता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझता। जिन लोगों के बीच में दूरियां क्रिएट हो रखा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, बट आप उस इंसान को बहुत पसंद करते हो, उनके साथ ही आप रहना चाहते हो, तो ऐसे में रिश्ता सुधरता हुआ दिख रहा है। आपके ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगा कि आप किनको चाहते हो, किस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, किनको प्यार करते हो, किसके साथ आप फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस इंसान के साथ ही आपका चीज़ें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइन, एंड साथ में ही कुछ लोग सितंबर महीने में अपने पर्सन के साथ इंटीमेट कनेक्शन में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है, साथ में माइंड एंड स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी बना हुआ रहेगा। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एंजल है।
लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस्ड करने वाले हैं डिवाइन आपको, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ के साइड से आपको सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा अनलकी बनकर बैठे हुए हो, बहुत टाइम से अकेला बैठे हुए हो, चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, दोस्त भी कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दिख रही है आपके साथ लोगों का हारमोनी क्रिएट होने वाला है, रिश्ता अच्छा होने वाला है, सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, आपके दोस्तों के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ भी रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा ना, आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगा कि आप किस इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, आप किस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, तो उस इंसान के साथ चीज़ें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब जिनके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो उनके साथ यहाँ पर रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेवलप होता हुआ दिख रहा है, हीलिंग नज़र आ रही है मुझे आपके हार्ट में। हार्ट में अगर किसी साइड से खरोचे था ना, किसी ने आपको झूठी बात कही थी या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया था, वो चाहे कोई भी हो, आपके घर वाले हो या फिर आपके दोस्त हो, ओवरऑल जिनको आप प्यार करते हो, ऐसा किसी ने अगर आपका दिल दुखाया था तो ऐसे में दिख रही है आपका दिल में फिर से हीलिंग आने वाला है, वो इंसान खुद आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर सितंबर महीने के लिए मुझे यही चीज़ दिख रही है। और हाँ, कुछ लोगों को अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिलने वाला है। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा दोस्त मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो दिख रही है आपके पर्सन के साथ तो रिश्ता अच्छा होगा ही, साथ में कुछ और दोस्त भी आपको मिलेंगे जो आपके काम में हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे आपके लिए। एंड सितंबर महीने में शादी का योग बहुत बिग तरीके से बन रहा है, एंगेजमेंट हो सकता है, शादी का डेट फिक्स्ड हो सकता है, रजिस्ट्री मैरिज हो सकता है, नो मैटर। यहाँ पर ये जो बिग सन आपको दिख रही हैं, ये आपके जीवन में उगने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारा खुशी, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी ले आ रहा है, अबंडेंस ले आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, आपके निजी जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में आप सुकून प्राप्त करने वाले हो। एंड अक्टूबर महीने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ काम, कुछ चीज़ें आपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर कर रहे थे बहुत टाइम से। किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हो या फिर किसी इंसान से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई जॉब आप पसंद नहीं करते हो उससे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई बिजनेस आपको नहीं करना है बट आपको हो सकता है फोर्सफुली वहाँ पर बिठाया जा रहा था तो वहाँ से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसा हैं जिससे आप निकलना चाहते हो, जो आपके लिए सुइटेबल नहीं है या फिर वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके चॉइसेस अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका टेस्ट अलग है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, स्वीट नहीं कर रहा था आपको, फाइन। तो ऐसे में दिख रही है कि उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे, आपका जो वेट है, प्रतीक्षा है, वो ख़त्म होने वाला है। एंड साथ में दिख रही है कि अगर आप कुछ चीज़ों के लिए लिटरली वेट कर रहे थे, कोई ऑफिशियल काम आपका पूरा हो जाए, कोई सरकारी काम आपका पूरा हो जाए, या फिर आपने बैंक में लोन के लिए अर्जी दिया था वहाँ से वो काम आपका पूरा हो जाए, या फिर कोई आपका फाइनेंशियल टारगेट था वो काम आपका पूरा हो जाए, फाइन। तो ऐसे में दिख रही है कुछ चीज़ें आप जमा करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है बहुत टाइम से, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे थे जिस चीज़ के लिए आपके पास इनफ मनी नहीं था, रिसोर्सेस नहीं था, इनफ चीज़ें नहीं था वो काम करने के लिए, तो वेट कर रहे थे आप सही टाइम के लिए, सही सिचुएशन के लिए। तो अक्टूबर महीना वो सही टाइम, वो सही सिचुएशन ले आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका प्रतीक्षा खत्म होता हुआ दिख रहा है, कुछ विशेस, कुछ ड्रीम्स आपका फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर है नवंबर महीने के लिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज को डेफिनेटली दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत हद तक कंफ्यूज्ड फील करने वाले हो, कंफ्यूज्ड होने वाले हो, कन्फ्यूशन हर एक चीज़ में आपको नज़र आएगा। आपका जो मन है वो नवंबर महीने में बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल करता रहेगा, शांत नहीं रहेगा, आप किसी भी तरीके से खुद को शांत नहीं कर पाओगे। आपको इस टाइम पर मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, रूट चक्रा के ऊपर आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो मैं कहूँगी नवंबर महीने में हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान लगाकर काम करना चाहिए, अगर आप अलग से ध्यान लगाना नहीं चाहते हो तो, फाइन। तो इस टाइम पर कुछ गलत काम आपसे, आपके द्वारा हो जाने के चांसेस भी बन रहा है, हो सकता है आप कुछ चीज़ें ना पढ़े ही, बिना पढ़े ही साइन कर दो,
हो सकता है कि आप बिना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे ही कोई एक्शन डिसीजन ले लो, तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप कन्फ्यूजन में रहोगे, इसके साथ ही आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कुछ चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाओगे, फाइन। एंड साथ में ही इस टाइम पर कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की भी कोशिश करेंगे, आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सो नवंबर महीने में आपको थोड़ा बहुत खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप अपने सबसे करीबी इंसान के ऊपर खुद को छोड़ देते हो, मतलब कि आपके मम्मी जी हो गए, आपका पापा जी हो गया, जो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको आप जानते हो कि वो इंसान कभी आपको गलत राहों में नहीं भेजेंगे, कभी आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे, उस इंसान के ऊपर अपना सारा डिसीजन थोप दो। आप कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो मत लो, वो जो कह रहे हैं आप वो सुनो। नवंबर महीने में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलना चाहिए, एंड इस टाइम पर कुछ हेल्थ इशू क्रिएट होने की भी चांसेस हैं, फाइन। अगर आप ओवरथिंकिंग करते करते चलोगे, देखो ये जो पल होता है ना, दोनों साइड से चीज़ें सोचने का, मझधार में फंसे रहने का, कोई भी डिसीजन ना ले पाना, ये सारे सिचुएशंस किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है। बहुत सारा खुशी के वजह से भी क्रिएट हो सकता है, बहुत सारा गम के वजह से भी क्रिएट हो सकता है, बहुत सारा टेंशन हेडेक की वजह से भी क्रिएट हो सकता है, या फिर बहुत सारा काम करने की वजह से, ओवरलोड लेने की वजह से, रेस्ट ना लेने पर भी क्रिएट हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो यस, दिसंबर महीने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जजमेंट है, आपके लाइफ में एक नया शुरुआत दिख रही है मुझे, आपके बहुत बड़ा कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे। एंड कुछ लोग यहाँ पर फैमिली क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए भगवान से दुआ मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो उन लोगों का प्रेगनेंसी का न्यूज़ इस टाइम पर उनको मिल सकता है। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रहा है दिसंबर महीने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एंजल्स सिर हैं, ओके। सो इस टाइम पर एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है डिवाइन की तरफ से, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से ना बैठे हुए थे, रो रहे थे, यहाँ पर डिवाइन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो दुआ मांगते हैं, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, बट इस टाइम पर आप नोटिस कर पाओगे कि मीन राशि वालों का दुआ पहले सुना जाएगा डिवाइन की तरफ से। फर्स्ट बात तो ये है कि आप वाटर साइन से बिलोंग करते हो, सेकेंड है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन हो, आप इंट्यूटिव हो, आप बाकियों से ज़्यादा डिवाइन से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, तो यही वजह होगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा, आपका जो प्रे होगा, वो डिवाइन इस टाइम पर पहले सुनने वाले हैं। एंड दिख रही है मुझे कि एक न्यू बिगिनिंग वेट कर रहा है जी। इस टाइम पर आपको कोई नया जॉब मिल सकता है, कोई नया बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, कोई नया घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, कई नया जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई नए कॉलेज में आप दाखिला ले सकते हो, कोई नए पर्सन से आप मीट कर सकते हो, कोई नया दोस्त बना सकते हो। ओवरऑल मुझे आपके लाइफ में ना एक नयापन आता हुआ दिख रहा है, आपका सराउंडिंग्स चेंज होता हुआ दिख रहा है, फाइन। आप अभी तक जैसे चीज़ों को देखते थे, जैसे चीज़ों को समझते थे ना, वो सिचुएशंस चेंज होने वाला है, देखने का नज़रिया बदलने वाला है आपका, आपका सराउंडिंग चेंज होने वाला है। तो इस टाइम पर कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, यस, ओके। इस टाइम पर आप घूमने भी जा सकते हो कहीं पर, बहुत सारा छुट्टी मनाने, यस। सेप्टेम्बर महीने के लिए देख लेते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस दे रहे हैं। एट अ प्रोफाइल, देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डेफिनेटली डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ओके। डिवाइन इस टाइम पर आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ बेटर वेट कर रहा है, हो सकता है आप अभी जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आपका लाइफ कैसे चेंज होने वाला है, कितने सारे अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, ओके। सितंबर महीने में आपका हेल्थ में भी रिकवरी नज़र आएगा आपको, एंड आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आप वैसे भी इंट्यूटिव पर्सन हो, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ से ही काम करना चाहिए। इस टाइम पर अगर कोई आपको कहे कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आपका मन कहे कि यस ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो आप अपने मन को फॉलो करो, ना कि दूसरों को, क्योंकि लव लाइफ के मामले में या फिर हर एक तरीके से जीना आपको है, आपका ही लाइफ है, फाइन। जो चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, आपको सच्चा लग रहा है, आपको दिल से सुकून दे रहा है, वही काम करो। एंड अक्टूबर महीने के लिए यहाँ पर है, ओके,
perspectives, definitely. मैंने आपको बताया ना कि चेंज होने वाला है. देर इज़ अ बेटर वे. पुश फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट. डेयर टू बी डिफरेंट. ओके, डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा साहस इस टाइम पर लाना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा. आप जैसे चीज़ों को देख रहे हैं नवंबर महीने में, या फिर जैसे लोगों को सोच रहे हैं ना, मैंने बताया ना आपको कि कुछ चीज़ों से आप भाग रहे थे. हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें सुइटेबल हैं एंड आप उस चीज़ को गलत समझ रहे थे. बहुत टाइम से किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, या फिर कुछ सिचुएशन की वजह से आपको गलत लग रहा था वो चीज़ें. तो सही डेफिनेटली होने वाला है. रियलाइजेशन आती हुई दिख रही हैं एंड एक बेटर पाथ आपके लिए वेट कर रही हैं अक्टूबर महीने के लिए. तो आप अभी तक जिस रास्ते पर जैसे चल रहे थे, काम को जैसे कर रहे थे, चीज़ों को जैसे देख रहे थे, डेफिनेटली वो रास्ता, वो काम आपका चेंज होने वाला है. आपके सोचने का तरीका चेंज होता हुआ दिख रहा है, देखने का तरीका चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड आपको कुछ चीज़ों में डेफिनेटली साहस लाना पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साहस करके कोई काम करना है. अगर आपसे हो नहीं रहा है, मतलब कि आप अलग से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपको कोई एक इंसान पसंद नहीं है. आप उस इंसान के हर एक काम को गलत ले लेते हो, हर एक एक्शन को गलत समझ लेते हो. तो आपको इस टाइम पर कोशिश करना पड़ेगा उस इंसान के काम के पॉजिटिव साइड को देखना. अब हमेशा नेगेटिव साइड देखते आ रहे हो, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर जाकर देखो. मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. देख लेते हैं नवंबर महीने के लिए क्या है. डिवाइन गाइडेंस. ओके, द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ. कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच. सराउंड योर सेल्फ विथ वॉइस टीचर्स एंड फ्रेंड्स और फ्रेंड्स. ओके, डिवाइन बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किस टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपका काम नहीं कर रहा है दिमाग, डेफिनेटली आप अपने भरोसेमंद टीचर्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर घर वालों को आपके लिए डिसीजन लेने का हक दे सकते हो, छोड़ सकते हो उनके ऊपर चीज़ें. फाइन. एंड यहाँ पर डिवाइन भी आपको गाइड करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर डिवाइन आपको छोड़ देंगे. आपके गार्डियन एंजल इस टाइम पर हर एक टाइम पर आपके साथ रहने वाले हैं. तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है. एंड दिख रही है मुझे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अलग तरीके से होने वाला है चीज़ें. यहाँ पर बार बार मैसेज यही आ रही है कि आपके लाइफ में कुछ हटके होने वाला है, जिस चीज़ का हो सकता है इमेजिनेशन या फिर सोच भी नहीं पा रहे हो, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो. ऐसा कुछ होने वाला है. कोई इम्पॉसिबल चीज़ें आपके लाइफ में पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन चार महीने के अंदर. दिसंबर महीने के लिए यहाँ पर है किंग ऑफ माइकल. वाओ. विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ. स्टे इन योर इंटीग्रिटी. सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन. फाइन. इस टाइम पर आपको डेफिनेटली अपने आँख कान खुला रखना है, चीज़ों को बारीकी से देख कर चलना है. इस टाइम पर आपको लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना है, ओपन कम्युनिकेट करना है. आपके अंदर इस टाइम पर कोई भी ईगो, जेलस फीलिंग्स, मतलब कि जेलसी फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें आपको नहीं रखना है, या फिर झूठी बातें, वादे, आपको ऐसा चीज़ें नहीं करना है. जो भी सच है उसको आप अगर कहना चाहते हो तो स्पष्ट तरीके से कह दो. ओपन कम्युनिकेट करना है, कुछ भी चीज़ें छुपाना नहीं है. अगर आप बताना चाहते हो तो बता दो, नहीं बताना चाहते हो तो इट्स ओके, आप ना बताओ, बट ऑनेस्ट रहना है आपको. ओके, झूठा नहीं बनना है, क्योंकि डिवाइन ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है. तो इन चार महीने के अंदर डिवाइन इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा. दिख रही है मुझे, बाकी चीज़ें डिवाइन संभाल लेंगे. आप जस्ट खुद के ऑरा क्लीन करने पे ध्यान दो, खुद के एनर्जीज को पॉजिटिव कैसे करना है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो. बाकी सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. बाय.